integrate it. Add wings to your career. Welcome to our channel Integrated में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ और आप सभी को होता है जेडी सर कहाँ से बिलोंग करता है बिल्कुल तपोभूमि मोगड़ा से। बेटा अपन नया टॉपिक लेके आए हैं तुम्हारे सामने रोड सेफ्टी मतलब सड़क सुरक्षा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है रोड सेफ्टी के कुछ रूल्स है कैसे रोड्स गाड़ी चलाते समय फोर व्हीलर टू व्हीलर कोई भी गाड़ी है चला रहे हो ड्राइव कर रहे हो ठीक है तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं मेनली तुम्हारे पास गाड़ी चला रहे हो तो लाइसेंस होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप गाड़ी सफ़र कर रहे हो गाड़ी का तो उससे तुम्हें ही नुकसान है। कैसे? एक तो बेटा चालान फट सकता है ये सबसे बड़ा नुकसान ठीक है। तो रोड सेफ्टी में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। वो कुछ रूल है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे डू नॉट यूज मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग मतलब वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हो आप लोग डू नॉट लिसन हाई स्पीड म्यूजिक वाइल ड्राइविंग। जब गाड़ी चला रहे हो उस टाइम क्या है कि गाने का यूज नहीं करें संगीत नहीं सुने ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब चिल्ड्रन और एनिमल इनसाइड द कार। कार के अंदर बच्चे व जानवरों के साथ ध्यान न बटाए। जैसे गाड़ी चला रहे हो उसके अंदर बच्चे व या तुम्हारे साथ कोई भी बंदे बैठे हैं तो उनके साथ तुम बातें कर रहे हो या फिर कोई जानवर है गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ छोटे मोटे होता है ना जानवर कुत्ते उत्ते हो गए बिल्ली होगी ऐसे कुछ भी तो उसके अंदर साथ ध्यान नहीं बटाए। तो अगला पॉइंट तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ मैं नेवर ड्राइव एंड ड्रिंक शराब पीकर गाड़ी का सफ़र नहीं करे शराब पीकर गाड़ी की ठीक है गाड़ी नहीं चलाएं बेटा। डू नॉट क्रॉस स्पीड लिमिट गति सीमा का बेटा ध्यान रखिए। ज़्यादा 100 जैसे 50 की स्पीड के लगे 50 ज़्यादा नहीं चलन तो 50 ज़्यादा नहीं ज़्यादा स्पीड में चलाओ गाड़ी तो चालान कट सकता है वो भी नुकसान है। और कोई सामने सांड आ गया कोई भी जानवर आ गया रोड पे अचानक गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो वो भी खतरा है तुम लोगों को। तो ऐसी चीज़ों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना छोटी छोटी मगर मोटी बातें है ना बेटा ये बोल सकता हूँ मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंदर तैयार रहेगा। ऑलवेज यूज हेलमेट एंड सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। जब गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट का यूज़ करो बाइक चला रहे हो तो हेलमेट और फोर व्हीकल चला रहे हो तो सीट बेल्ट का यूज़ करें। तुम बोल लो सर वो हेलमेट पहन के गाड़ी चला दे फोर व्हीलर बेटा चला तो कोई दिक्कत नहीं बेटा वो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें खुद कोई ठीक है ना ऐसा नहीं करते सीट बेल्ट लगाना चाहिए उसमें। चलो अगला कौन सा रहेगा कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल अहेड मतलब तुम्हारे सामने वाहन के आगे शुरू तक ध्यान रखिए। मतलब आगे वाहन चल रहा है तो आगे ध्यान रखिए क्या पता वो ब्रेक मार रहा है तो तुम लोगों ने ठोक दी है ना ध्यान रखिए। दूरी रखनी है अपन को बराबर प्रॉपर दूरी रखनी है। अगला जो तुम्हारा रहेगा इतने टॉपिक है और भी कुछ चीज़ें रहती है जिसमें इसमें मेंशन नहीं कर रखा है तुम लोगों को मैं बता दूं ठीक है। बोर्ड के अंदर वो कर नहीं पाए मेंशन इसलिए क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे येलो सिग्नल हो गया येलो लाइट लगी हुई तुम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे देखो स्क्रीन पर देख रहे हो तुम लोग येलो सिग्नल है येलो और एक रेड है और ये क्या है ग्रीन है। देखो येलो का मतलब क्या है रेड का मतलब क्या होता है और ग्रीन का मतलब क्या होता है। ग्रीन सिग्नल मतलब आपको रुकना नहीं गाड़ी को शुरू करना है मतलब रुकना नहीं। ग्रीन सिग्नल मिल गया जैसे आप लोग स्टॉप वो जैसे लगा हुआ है तुम्हारे सामने क्या बताऊँ तुम लोगों को यार जैसे सिग्नल लगा हुआ है ठीक है गाड़ी सिग्नल लगा हुआ है तुम्हारे सामने रेड बत्ती आएगी रेड का मतलब रुकना है आप लोगों को गाड़ी नहीं चलानी है। अगला रहेगा येलो येलो का मतलब क्या आपको गाड़ी के लिए तैयार रहना कि अब गाड़ी सिग्नल आने मिलने वाला है ग्रीन सिग्नल मिलना उससे पहले येलो सिग्नल मिलेगा तुम लोगों को तैयार रहना है रेडी रखना है कि भाई अब गाड़ी चला सकते हैं अपन कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड के पहले ऐसा येलो सिग्नल मिलता है आप लोगों को। उसके बाद मिलता है आपको ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल मतलब आप लोगों को रुकना नहीं है वहाँ से गाड़ी को भगाना है ठीक है। ये कुछ रूल रहते हैं और भी काफ़ी चीज़ें तुम लोग बोर्ड पे डायग्राम से समझ सकते हो। यू टर्न हो गया ठीक है स्टॉप पेज का रहेगा स्टॉप करना है जैसे रेड सिग्नल भी हो सकता है और भी कुछ चीज़ें रहेगी स्टॉप लिखा हुआ होता है जैसे तुम लोग ये चीज़ें स्टॉप कहाँ लिखा मिलेगा तुम लोगों को वहाँ पर जाओगे टोल नाका पे है ना टोल पे आप लोगों को स्टॉपेज वगैरह कुछ ध्यान रखना है। काफ़ी चीज़ें रहती है ऐसे यू टर्न हो गया राइट टर्न है लेफ्ट टर्न है उसके लिए साइन दे रखे हैं बोर्ड पर भी देख पा रहे हो तुम लोग आराम से सारे सिग्नल देख पा रहे हो। कुछ सिग्नल के बारे में मैं आपको मेंशन नहीं कर पाऊँ लेकिन आप सिग्नल से ही समझ सकते हो। उसके बाद डिटेल में और जानकारी चाहिए तो गूगल कर सकते हो या फिर तुम्हारी बुक में दे रखा है जितना बुक में दे रखा है वो सारा मैंने बता दिया उससे ज़्यादा ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आराम से समझ पा रहे हो। काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने ये कुछ रूल रहते हैं। अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल भी बनते हैं
कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें भी बता सकता हूँ आराम से आपको कैसे रहेगा। एक पीयूसी का फुल फॉर्म पूछते हैं कि पीयूसी क्या है। पीयूसी तो क्या रहता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये क्या रहता है पीयूसी का फुल फॉर्म रहता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना तुम लोगों को, पीयूसी क्या होती है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं ऐसी, काफ़ी है। पीयूसी क्यों करवानी पड़ती है भाई, पीयूसी पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल मतलब ये रहता है कि पीयूसी मतलब आप, पीयूसी का मतलब ये होता है कि आप लोगों को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ भाई आपकी वाहन है जो धुआं नहीं दे रहा है बिल्कुल सही है, धुआं होगा मतलब पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो ये भी किस रोड सेफ्टी का ही होगा, क्योंकि भाई पॉल्यूशन होगा गाड़ी जैसे जा रही आगे तुम्हारे कि पॉल्यूशन में क्या होगा, गाड़ी दिखनी लाइटिंग में कम दिखेगा तुम लोगों को, है ना, सामने कोई गाय भैंसे आ गई, तुम लोग देखना सिटी के अंदर देखना कि रोडों पर गाय भैंसे आपको मिलेगी देखने को, काली होती वो दिखती नहीं, क्यों नहीं दिखती, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है यार, काला ही काला दिखने लग जाता है, तो अपन को लाइटिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, तो इसलिए पीयूसी भी जरूरी है। मतलब समय समय पे तुम लोग गाड़ी की सर्विस कराओ तो उससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा तुम लोगों को, जब पॉल्यूशन धुआं देने लग जाए गाड़ी तो उसका कृपया करके भाई उसको सही करवाएं, मतलब चेंज करवा दे कुछ जो भी है, एक बार सर्विस करवाओ। चलो ये काफ़ी चीज़ें जो तुम लोगों को बेसिक पहले ही पता ही होगा तुम लोगों को, बट जितनी जानकारी उतनी मैंने दे दी है तुम लोगों को, और भी चीज़ें रह गई हो तो आप आराम से देख सकते हो। चलो अब मैं एक लोग दो न्यूमेरिकल लेके आ जाता हूँ तुम्हारे सामने, जो एग्जाम में पूछे गए बारी बारी से न्यूमेरिकल किस टाइप की वेराइटी रहती है वो सारे मैं न्यूमेरिकल में बता दूँ तुम लोगों को। एपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन है जो उसका यूज होता है इसके अंदर, और कुछ छोटी छोटी बातें जैसे ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें थोड़ा बहुत यूज है, कैसे फॉर्मूला वगैरह यूज होता है एरिया निकालने के लिए, कहाँ क्या लगा रखा है। चलो कैसे क्वेश्चन रहता है मैं आप लोगों को बता दूँ, एक कैमरा लगा हुआ है, इस टाइप की वेराइटी रहती है, एक कैमरा लगा हुआ है, एक पोल लगा हुआ है, पोल ये पोल है, अब इस पोल के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर कोई कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, अब क्या पोल है, कैसे पोल है, ऐसे पोल है भाई, अब कैमरा लगा हुआ है तो चारों ओर देख रहा है, अब पोल एक ये पोल ऐसे खड़ा है, रेडियस क्या होगी, ये रेडियस होगी, इस फॉर्म में देख सकता है, मतलब जो कैमरा लगा हुआ है ना भाई, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं क्या कहाँ देख सकता हूँ, आगे भी देख सकता हूँ, ऐसे देखूँगा इधर देख लूँगा, पूरे सर्कल नुमा सब 360 में व्यू में देख सकता हूँ आप लोगों को, तो ये 360 मतलब मेरी जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बोर्ड को देख पा रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, पीछे भी देख पा रहा हूँ, आगे भी देख पा रहा हूँ, तो मेरी ये यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या होगी, रेडियस होगी, पूरे सर्कल में बात करूँ मैं तो यहाँ से मेरी रेडियस, मेरी हाइट है जो मैं कैमरा हो गया मेरी हाइट की, यहाँ पर मान लो कैमरा लगा है, ठीक है, तो मैं कितना पूरा कवर कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो हाइट की होगी, यहाँ पर ये हाइट देख पा रहे हो, और यहाँ से यहाँ तक जो थी, यहाँ से यहाँ तक क्या थी, रेडियस थी, और मैं ऐसे कैसे देख पा रहा हूँ, मैं कितना देख पा रहा हूँ, ऐसे सीधा वाहन को देख रहा हूँ, तो उस देखने के लिए ये क्या हो जाएगा, ऐसे हाइपोटेनियस वाला काम हो जाएगा, ठीक है, मान लो कैमरा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से है तो यहाँ से देख पा रहे हो तुम लोग, ऐसे देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब ये तुम्हारी सर्कल हो गया, रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया तुम्हारी, रेडियस होगी, ये तुम्हारी क्या होगी, हाइट आ गई है, ठीक है, और ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइट को तुम लोग परपेंडिकुलर ले लो, पी ले लो, तो ये क्या लो सकते हो, एस ले सकते हो, तो ये सर देखिए बेस ले लो, बिल्कुल बेस ले लो, या फिर आर ले लो, एक ही बात है, तो इस टाइप की वैरायटी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आर बोल रखा हूँ, मैं पोल है जो 12 मीटर ऊँचा पोल है, कितना मीटर है, 12 मीटर ऊँचा पोल लगा रखा है मैंने ऊँचाई पर, और जो मैं देख सकता हूँ यहाँ से ऐसे व्हीकल को देख रहा हूँ, तो ये 13 मीटर दूरी तक अपन देख पा रहे हैं उसको, ऐसे 13 मीटर 12 मीटर हाइट पे है तो 13 मीटर तक मैं कवर कर पा रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ से इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करूँगा तो ये रेडियस आ जाएगी, तो तुम लोगों को सबको पता है 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करूँगा, 169 में से 144 ये माइनस करूँगा, ये क्या करूँगा माइनस करूँगा, तो आर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 का रूट, ठीक है, 5 मीटर तक जो भी है इसकी आर आ जाएगी, समझ पा रहे हो, आर कितना आ जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर तक क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, समझ पा रहे हो, तो 5 मीटर तक क्या आ गया, आर आ गया है। अब देखो अब मुझे क्या निकालना, पूरे का एरिया निकालना, क्या निकालना, पूरे का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर,
क्या आ जाएगा इसका पूरा कितना एरिया कवर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना भाई 5 है, तो 5 × 5 ये कितना आ जाएगा 22 × 25/7 है ना, 550/7। इसमें डिवाइड करने के बाद जो तुम्हें मिलने वाला है देख लो 78.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ मिलेगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ भाई, ठीक है समझ पा रहे हो। बहुत सिंपल सा है, ऐसे कर सकते हैं अपन, एरिया निकाल पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तुम लोग एरिया निकाल पाओगे। एक टाइप की वैरायटी ऐसी रहती है, एक दो वैरायटी और रहती है जो बारी बारी से पूछे रहते हैं, पूछे जा रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ नया ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बारी बारी से यही क्वेश्चन पूछे गए हैं पोल का। या फिर अब क्या है कि डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, आराम से देख पा रहे हो तुम लोग। तो क्या है, जैसे यहाँ से जोधपुर से कोई बंदा पाली की ओर निकला, ये जोधपुर था, यहाँ से कोई पाली जा रहा है, ठीक है पाली, तो यहाँ पर पाली जा रहा है, तो यहाँ पर बीच में सिग्नल है 10 जगह वो बंदा रुका है, 10 सिग्नल दे दिए, अब क्या रूल है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ग्रीन सिग्नल हो, ग्रीन सिग्नल हो तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लग रहा है, 2 hours and 30 minutes लग रहा है, ठीक है ठीक है 2 hours और क्या मिल रहा है 30 minutes लग रहे हैं वहाँ से यहाँ तक पाली में, यदि ग्रीन सिग्नल हो, क्या हो यदि क्या हो ग्रीन सिग्नल हो, ग्रीन सिग्नल मतलब गाड़ी रुकी ही नहीं जा रही है, ग्रीन सिग्नल वाला केस है, गाड़ी रुक नहीं रही है, चल रही है सीधे सीधे, समझ पा रहे हो। और यदि गाड़ी रुक रुक के जा रही है, मतलब येलो सिग्नल आ रहे हैं बीच में, रेड सिग्नल आ रहे हैं, गाड़ी रुके पहले सिग्नल पर 1 minute रुकी, दूसरे सिग्नल पर 2 minutes रुकी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तीसरे सिग्नल पर 3 minutes रुक रही है, ऐसे 10वें सिग्नल पर 10 मिनट रुक रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कितने समय बाद वो पाली पहुंच जाएगी, ऐसा समझ पा रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो पहले पे पहला, तो तुम बोलोगे सर इसको ऐसे ऐड कर दें, बिल्कुल ऐड कर दो, लेकिन यार ये तो ऐड कर लोगे यहाँ पर, तो तुम लोग छोटा है, बड़ा बड़ा दे दे क्वेश्चन, ऐसा तो कैसे करोगे, या तो ऐड कर दो ऐसे, इसको ऐड करोगे तो क्या आने वाला है 55 मिनट आ रहा है, इसको ऐड करके देख लो, तो क्या करोगे तुम लोग इसमें ये ऐड कर दोगे, ठीक है, या तो ये 55 ऐसे कर दो, या फिर तुम लोग देखो ये सम का फॉर्मूला लग रहा है, डिफरेंस भी इक्वल है SN=(n/2) 2a + n-1 × d, ये तुम देख रहे हो SN कहाँ तक 10 सिग्नल है, 10 सिग्नल ले लिया, 10/2 2a 10 - 1, d कितना है एक एक का गैप है, ये कितना हो गया 5, ये 2, ये कितना हो गया 9, कितना आ गया 55 आ गया, कितना मिनट लग रहा है 55 मिनट तक लग रहा है, ये 55 मिनट तक क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए सिग्नल पे रुक रहे हो तुम लोग तब, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें क्या करो ऐड कर दोगे 2 hours and 30 minutes में, क्या ऐड कर दोगे 55 मिनट ऐड कर दोगे, तो 2 hours और क्या करोगे 30 मिनट में 55 मिनट क्या कर दोगे ऐड करोगे, तो टोटल समय तुम्हें क्या लग रहा है जब गाड़ी रुक रुक के जा रही है, तो देख लो 5 और 6 से ज़्यादा आते ही क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा, तो एक कैरी हो गया, तो 3 घंटे और 25 मिनट में 3 hours 25 मिनट में तुम लोग कहाँ पहुँच जाओगे पाली पहुँच जाओगे। बहुत सिंपल सा था, इस टाइप की वैरायटी रहती है, और भी कुछ वैरायटी रहती है, ये वैरायटी जो मैंने बताई जो एग्जाम में बारी बारी से पूछी जा रही, 3 mark का क्वेश्चन है, सब पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है, और भी काफ़ी चीज़ें होती है तुम लोग कर सकते हो आराम से, कुछ देर डिस्टेंस दे रखी है, कुछ टाइम दे रखा है, तो कितने समय बाद पूछेंगे, बेसिक चीज़ें हैं, एपी के भी सिंपल एपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ से भी आप लोगों को इसमें कुछ हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से एपी के सिंपल मैं वीडियो लेके आऊँगा तुम्हारे सामने, लेक्चर आएगा अपना जब एपी पढ़ाऊँगा मैं, तो उस टाइम और क्लियर हो जाएगा ये। तो अभी के लिए रोड सेफ्टी में इतना ही रहेगा, रोड सेफ्टी इसमें तुम्हारा काम हो सकता है आराम से, कुछ चीज़ें मैं बोलूँ कुछ और भी घुमा के पूछ सकता है, नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, लेकिन जहाँ तक ये क्वेश्चन जो पूछे गए उसके बारे में मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में, तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा, और कुछ चीज़ें छूट गई है जो एपी में कवर हो जाएगी,
कुछ चीज़ें एपी की बेसिक चीज़ें, जो अब एपी का पढ़ोगे तो तुम लोगों को ये फॉर्मूलाज वगैरह पता चलेंगे, है ना। वहाँ पर कौन से दसवें सिग्नल कितने मिनट बाद आएगा, कुछ ऐसी वेराइटी भी पूछ सकता है, इतने मिनट बाद क्या होगा, तो वो सब एपी में अपन जानकारी और जुटाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो ये 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से रहता है, चैप्टर 4 मार्क का, 3 मार्क का और 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। एक आध सिंपल पीयूसी के नाम पूछ लिए, कभी यातायात के नियम पूछ लिए, 2-2 मार्क में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि यातायात के क्या रूल रहेंगे, है ना। तो रूल मैंने पहले डिस्कस किया था, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ग्रीन सिग्नल बोर्ड डायग्राम भी देखे तुम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा होगा तुम लोगों। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, इससे अगला जो चैप्टर रहेगा उसके साथ मिलेंगे अपन। अगला चैप्टर जो है देखते हैं क्या मिलता है आप लोगों को अगली वीडियो के लिए। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।